सो गाइस यदि आप यहाँ पे IRCTC ऐप से अगर आप यहाँ पे टिकट बुकिंग किए होंगे, यदि आपको यहाँ पे टिकट कैंसिल हो गया, यदि आपको टिकट कैंसिल नहीं होगा, अगर आपको यहाँ पे बुकिंग भी हो गया, अगर आपको यहाँ पे वेटिंग बता रहा है, तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, अगर आपको भाई यहाँ पे टिकट अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अगर आपको यहाँ पे रिफंड अमाउंट मिला कि नहीं मिला, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सोच रहे कि भाई यहाँ पे मैं कैसे चेक करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप यहाँ पे नए यूजर हैं, अगर आप पुराना यूजर हैं, अगर आप न्यू यूजर हैं, तभी भी दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कस्टमर केयर से दोस्तों आप यहाँ पे करके दोस्तों आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टिकट बुकिंग किए होंगे, कैंसिल हो गया, यदि आपको अभी तक पैसा बैंक अकाउंट में नहीं, कुछ भी भाई अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया IRCTC अगर आप टिकट से रिलेटेड, तो गाइस आप यहाँ पे घर बैठे आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कस्टमर केयर को कॉल करके, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर कहाँ मिलेगा मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहले आपको यहाँ पे मैं बताई हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे देखो भाई बता रहा है, यहाँ पे देखो भाई फोर रेलवे टिकट्स बुक थोड उसके बाद IRCTC, ठीक है। कस्टमर केयर नंबर यहाँ देखो भाई कितना है, आप यहाँ पे नोट डाउन नंबर कर लो, ठीक है। यहाँ देखो भाई 14646, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर ये है 055-6610-61, ठीक है, ये दोनों नंबर पे आप यहाँ पे चूज कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है, ठीक है, 055-4090-600, ठीक है, ये यानी थर्ड नंबर है। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दो ही लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई आपको यहाँ पे टिकट से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, और आप वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी मांगेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे IRCTC की जो भी आपको यहाँ पे यूजर आईडी होगा, वो आपको यूजर आईडी आपको कस्टमर केयर आपको मांग सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हुआ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे कॉल नहीं लग रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर पाएंगे, ठीक है। ये कस्टमर केयर के देखो ईमेल आईडी है, जो कि आप यहाँ पे ईमेल भी कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका टिकट जो भी है यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है, ये ईमेल आईडी है @, ठीक है, इस दोनों पे जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये टिकट कैंसिलेशन जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईमेल, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको कॉल करके अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। तीन नंबर मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों नंबर पर कोई भी आप नंबर पर यहाँ पे कॉल कीजिए, आपको कॉल कनेक्टेड हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी फंडा है। तो अगर आप यहाँ पे टिकट वेबसाइट से बुकिंग किए हैं, अगर आप ऐप से बुकिंग किए हैं, कहीं से भी बुकिंग किए हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। चलते दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।